26 नवंबर 2018 को लश्कर ए तैया के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 10 साल हो गए, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। दोस्तों, आज हम आपको बता दें 26/11 अटैक की पूरी कहानी। कराची से 10 आतंकी नाव के रास्ते मुंबई में घुसते ही इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें आतंकियों ने किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया था। आतंकियों मुंबई पहुंचने में रात के 7 बजे गए थे। मुंबई पहुंचते ही वे 4 ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। कहते हैं कि इन लोगों की अपाधारी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अनाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 92 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 को जख्मी कर दिया। आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित ना था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों पर से एक था जो 3 दिन तक चले। इस हमले के शुरुआती निशाने थे, यह मुंबई के नामचीन रेस्तरांतों में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से ज़्यादा घायल भी हुए। 1871 में मेहमानों की खातिरदारी कर लियोपोल्ड कैफे की दीवारें में धंधी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। 10:40 बजे ब्लेड पायलेक इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर भी मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया, जो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जाने जा चुकी थी। तकरीबन 15 घायल हुए। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों थे। मुंबई का ताज होटल ओबेरॉय टाइटेन होटल के नमियन हाउस जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारतें से निकला हुआ धुआं बाद में हमलों की पहचान बन गया। दिन दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों ने जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रहती। और ना सिर्फ भारत से सेवा अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबेरॉय और नमियन हाउस पर टिकी रहीं। जब तक इस घटनाक्रम और नियंत्रण की गया तब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 26/11 अटैक की शहीद हुए लोगों को संसद वाणी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।